हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम बात करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस द्वारा स्थापित किया गया था। जानेंगे इसके बारे में और इसके कार्यों के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो भूखमरी को ख़त्म करने, पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसके लोगों में लैटिन में लिखा हुआ है फिएट पनीस, इसका अर्थ होता है लेट देयर बी ब्रेड। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। यह यूनाइटेड नेशंस की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। खाद्य और कृषि के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विचार 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उभरा था, जो मुख्य रूप से अमेरिकी कृषिविद और कार्यकर्ता डेविस लुबिन द्वारा उन्नत था। 1905 में रोम इटली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसके तहत इटली के राजा विक्टर इमैनुअल III द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान IAA का निर्माण किया गया था। 27 फरवरी 1948 को अपनी स्थायी समिति के प्रस्ताव से IIA को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया था। इसके कार्यों, सुविधाओं और अधिदेश को तब नव स्थापित FAO में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। यह दुनिया भर के क्षेत्रीय कार्यालयों का संचालन करता है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय लगभग 130 देशों में कार्यरत हैं। यह सरकारों और विकास एजेंसियों को कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और भूमि और जल संसाधनों को सुधारने और विकसित करने के लिए अपनी गतिविधियों का समन्वय करने में मदद करता है। ये परियोजनाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करता है, शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी संचालित करता है और कृषि उत्पादन और विकास का डेटा एकत्रित करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 197 सदस्य देश हैं। प्रत्येक सदस्य देश और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले द्विवार्षिक सम्मेलन द्वारा शासित होता है, जो 49 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का चुनाव करता है। महानिदेशक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इसमें वित्त, कार्यक्रम, कृषि और मत्स्य पालन जैसे विभिन्न समितियाँ हैं। वर्तमान में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेड डायरेक्टर जनरल क्यू डोंगवू हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों में जीवन यापन और पोषण के उन्नत की ओर ध्यान देना है, खाद्यान्नों, वन संपदा और मछलियों के उत्पादन को बढ़ाना है, अपने कार्य क्षेत्र में शिक्षण और प्रशासन संबंधी सुधार करना है, प्राकृतिक साधनों का संरक्षण करना, भूमि के स्वामित्व की व्यवस्था करना, अपने कार्य क्षेत्र में शिक्षण एवं प्रशासन के सुधार की सिफारिश देना, सदस्य राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। तो ये थी पूरी जानकारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।